ये भूंगरा में जो ये गैस हादसा हुआ है, इस हादसे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं रही गई है। हमने सरकार तक निश्चित रूप से बात पहुंचाएंगे। अभी मंत्री जी राजेंद्र सिंह जी गुड़ा भी आए थे और हम भी हमारी सरकार तरफ बात पहुंचा के और निश्चित रूप से जो घोषणा हुई वो कम है, उसको हम बढ़ाने की हम लोग पूरा प्रयास करके बढ़वाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी की बात करा तो बारो गरज जिलो है जोधपुर, लेकिन जोधपुर में यहाँ इसी घटना है और मुख्यमंत्री जी बाहर जोड़ो यात्रा में लागू है। कुछ कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हॉस्पिटल में आके गए हैं और उनकी हर पल हॉस्पिटल पे नज़र है और वो बहुत जल्द यहाँ आकर के भी यहाँ परिवारजनों से भी मिले, क्योंकि प्रायोरिटी आज के दिन वहाँ जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनकी उनका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आएंगे, पर मैं तो फिर भी अपील करता हूँ राजस्थान सरकार से कि तुरंत में इस पैकेज को बढ़ाया जाए और स्पेशली जिस गैस कंपनी की इस टंकी की लीक होने की वजह से घटना हुई है उसमें उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करें और बड़ी एक बड़ा पैकेज गैस कंपनी की तरफ से अलग से दिलाया जाए और ऐसी व्यवस्था करें कि ये घटना वापस कभी दुनिया में किसी के घर पे नहीं घटे। और मैं सबसे अपील करूंगा और स्पेशली बाहर से आए भाई देवी सिंह जी भाटी साहब ठेले भर भर के पैसे लेके आए हैं और यहाँ आकर के आर्थिक सहायता प्रदान करी है। गुड़ा साहब ने भी प्रत्येक मृतक परिवार को लाख लाख रुपए देने की घोषणा करी है। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को 36 कोमों से अपील करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में इस अगस्त सिंह जी परिवार का साथ देवें और जितनी हो सके आप आर्थिक सहायता प्रदान करें। मैं मेरी तरफ से भी प्रत्येक मृतक परिवार को 50,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम सबको स्पेशली इस परिवार के बचे हुए सदस्यों को शक्ति प्रदान करें कि इस दुख सहन कर सके। धन्यवाद।